हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलेटेड टू कोल्ड कॉलिंग, हाउ टू मास्टर कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कॉलिंग कैसे सीखें और अपने बिजनेस को में सेल्स की बाढ़ कैसे लाएं। अगर आपको आपकी कंपनी में या फिर आपके बिजनेस में कॉम्पिटिटर का सबका बाप बनना है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको 13 टिप्स देने वाला हूँ जो आपको हेल्प करेंगे एक बेस्ट कोल्ड कॉलर बनने में। जो आप जितने भी कोल्ड कॉलिंग करते हो ना, हर एक अभी तक आप जितने भी तरीके से कोल्ड कॉलिंग करते आए हो ना, वो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हुआ है जो आपको प्रॉब्लम आती है कोल्ड कॉलिंग में। तो ये 13 टिप्स आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। ये आपको सेल्स का बाप बना देंगे कोल्ड कॉलिंग में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, सॉरी, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट की टेक अवे इज फर्स्ट टिप दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, अंडरस्टैंड योर प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सबसे बेसिक काम, जो भी नए नए कोल्ड कॉलर रहते हैं, जैसे कोई बिगिनर भी है अभी 2-3 महीने काम करते हुए हैं, सबसे पहले कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सबसे बेसिक चीज़ भूल जाते हैं वो, कि अपनी कंपनी का, जो जिस कंपनी का वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो भी उनके जूनियर हैं उनकी टीम में, वो बेसिक चीज़ ही नहीं कर पाते कि प्रोडक्ट कंपनी का क्या है और सर्विस क्या है और किस बंदे के लिए स्पेशली है और किस तरीके से अपनी कंपनी की जो भी सर्विस है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग पे घबरा जाते हैं। कंपनी ने, वो किसी क्लाइंट ने पूछा, ये मेरे लिए क्या हेल्पफुल है? अरे सर, ये तो सबके लिए हेल्पफुल है, ये वो फलाना ढिकाना। उस तरीके से आपको काम नहीं करना है। अगर उस तरीके से काम करोगे ना, तो कभी भी आप सेल्स नहीं कर पाओगे। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। अगर जब तक आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस की बेसिक से बेसिक डिटेल और एडवांस से एडवांस जैसे डिटेल, जो कस्टमर को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकती है, हर तरीके से वो चीज़ें याद रख लो, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं कौन सा कस्टमर आपका किस तरीके की नीड है उसकी, तो उसको लिंक करके सो करना है कि इस तरीके से ये प्रोडक्ट आपकी हेल्प करने वाला है, उसकी नीड को फाइंड करना है, उसके पॉइंट को समझने के बाद, ठीक है। सबसे बेसिक पॉइंट है, जब तक ये नहीं समझोगे ना, आप कितनी भी मेहनत कर लेना, आप कभी भी आपकी कंपनी का प्रोडक्ट और सर्विस सेल नहीं कर पाओगे। हाँ, कभी कभार हो जाएगा, लगातार एक हफ्ते में एक आध प्रोडक्ट या एक महीने में एक प्रोडक्ट सेल कर पाओगे, अगर आप लगे रहे, अरे सर सर ऐसा ऐसा ऐसा, कोई कोई दया खा के जो समझदार नहीं हो वो प्रोडक्ट बाय कर लेगा। बट आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपके कस्टमर की नीड, ठीक है, वो बाद में हम समझेंगे, बट पहले आपको आपके प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड, रिसर्च योर प्रोस्पेक्ट, ठीक है। देखो, बहुत सारी कंपनी में क्या रहता है कि डिटेल डाटा दिया जाता है ना, तो दो तरीके, दो या तीन तरीके से मैक्सिमम डाटा दिया जाता है, ठीक है। द फर्स्ट कि उसमें सिर्फ नंबर दिए जाते हैं, कोल्ड कॉलिंग करनी है और प्रोडक्ट और सर्विस सेल करनी है, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है कि आपको स्टार्टिंग से ही आपको उस कस्टमर के बारे में पता नहीं है, तो उससे डिटेल में प्यार से बात करना रहता है, जैसे कि गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके स्टार्टिंग में, सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, आप पहले खुद के बारे में बताइए, ठीक है। तो उसका नाम थोड़ी देर से पूछना है आपको, मतलब इस कंपनी से बोल रहा हूँ, सर आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग कॉल किया है, सर क्या अभी आप फ्री हो 2 मिनट के लिए, मैं आपको डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। वो आगे ही बता देगा। देखो, अगर वो फ्री होगा 2 मिनट के लिए, तो वो आपको टाइम देने ही वाला है, ठीक है। अगर वो बोले, सर मैं फ्री नहीं हूँ अभी, मैं बिजी हूँ, तो सर मैं क्या आपको 15 मिनट बाद कॉल करूँ, तो तुरंत टाइम लो दूसरी बार कॉल करना है। क्योंकि अगर उसने कॉल उठा लिया, तो चांसेस हैं, 50% चांसेस हैं कि आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि कोल्ड कॉलिंग में आप जितनी भी कॉल कर रहे हो ना, ठीक है, उसमें से 50% लोग तो कॉल ही नहीं उठाते, स्पैम नंबर देख के कॉल ही नहीं उठाते। तो इस चीज को समझो कि जो भी आपका कॉल उठा रहा है ना, तो उससे आपको इस बे में बात करनी है कि इसको प्रोडक्ट सेल ही करना है, ठीक है। और उससे प्रॉपर एकदम बार बार क्वेश्चन मत पूछो, हड़बड़ाहट मत करो, मतलब घबराओ मत। जितने ज्यादा घबराओगे कोल्ड कॉलिंग के दौरान, वो सामने वाला जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है, जो भी आपका लीड्स है, वो घबरा जाएगी, ठीक है। वो मतलब समझ जाएगा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए हो। तो प्रॉपर वे में एकदम शांत मन होकर, रिलैक्स होकर बिल्कुल कॉल करना है, ठीक है। रिलैक्स होकर कॉल करोगे तब रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। और डर किस बात का भाई, सामने वाला क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा गाली देगा, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं देगा, और गाली भी क्यों देगा, वो इतना फ्री भी तो है, वो है नहीं, ठीक है।
तो आपको उस भी में बात करना है, उससे डरना नहीं है और उससे डिटेल निकलवानी है। जितनी ज़्यादा आप डिटेल निकल पाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि उससे 4, 5, 10 मिनट कॉल पर बने रहो, पर धीरे धीरे आप प्रोडक्ट के बारे में भी कंपनी के बारे में भी बताते जाओ कि किस तरीके से आपकी कंपनी उनकी हेल्प करने वाली है, ठीक है। तो इस वे में आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर आप खुद ही सोचते रहे कि क्या करना है क्या करना है क्या करना है, तो उस तरीके से चीज़ें नहीं चलती सर। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि आपको जितना डिटेल में बात करोगे उतना आप जाने जाओगे, ठीक है। सर, सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड बोलता है, बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड लग रहा है, तो उससे टाइम लेने की कोशिश करना, का टाइम भी नहीं देते ना, नॉट इंटरेस्टेड बताते, तो फिर उसको कॉल ही नहीं करना। अपन को अगले कॉल पे फोकस करना है, ठीक है। और जो भी अभी तक टाइम हुआ, जैसे कि अगर कोई भी लीड्स खराब हो जाए, मतलब थोड़ी नोक झोंक हो जाए, तो उससे अपना माइंड खराब नहीं करना, आपको अगली कॉल पे फोकस करना है। और अगली कॉल पे उतनी फोकस, उतनी इंटेंसिटी, उतनी एनर्जी के साथ कॉल करना है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन हुई तो सामने वाला पता नहीं कि आप कौन बैठा है। देखो, आपकी ना हाइट पता, ना कलर पता, ना आपका कितना एजुकेशन है, तो वो सिर्फ कॉल पे क्या दिखता है, आपकी आवाज़, आपकी आवाज़ बिकती है। तो उस आवाज़ को थोड़ा दमदार बना के बात करनी है, ठीक है। थर्ड, क्राफ्ट अ कंपेलिंग स्क्रिप्ट, ठीक है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर किसी ने पर्टिकुलर कोई भी चीज़ है वो बता दी, या फिर जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ डिजिटल मार्केटिंग के रिगार्डिंग क्या कर रहे हैं। अभी मेरा एक स्टूडेंट था, ये डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीख रहा था। मैं बहुत कम लोग सिखाता हूँ, 4-5 ही स्टूडेंट है मेरी, मैंने उनको सिखाई डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो वो क्या है, मैं कॉल, मैंने बता दी कि अपन इस तरीके से नंबर आते हैं, लीड्स आती हैं, और कॉलिंग करना है, कोल्ड कॉलिंग से अच्छे निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब वो मतलब बिना स्क्रिप्ट बनाए आगे क्या बोलना है, बिना स्क्रिप्ट बताए कॉल कर रहा है। कॉल वो ऐसा नहीं कि 200 300 कॉल कर रहा है, 400 कॉल कर रहा है, पर रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आ रहा, ठीक है। और रिजल्ट क्यों निकल के भी आया ना, क्योंकि उसके पास प्रॉपर स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है, और इस कारण से भी रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। तो मैंने उससे बोला कि स्क्रिप्ट बनाई क्या, नहीं सर मैंने स्क्रिप्ट तो नहीं बनाई। तो फिर मैंने बोला कि स्क्रिप्ट के बिना कैसे काम कर रहा है, वो बोला सर स्क्रिप्ट के बिना तो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि देखो जितनी ज्यादा कॉल आएंगे उतना ज्यादा रिजल्ट निकल के आएगा। तो मैंने बोला भाई ऐसे काम नहीं चलता, प्रॉपर भी मैं स्क्रिप्ट बना के काम करना है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के लिए मैंने बोला कि देख जिस तरीके तेरे प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उस तरीके की अगर आपका तेरा कोई दोस्त है उससे बात कर, ठीक है, उसकी स्क्रिप्ट उठा नहीं अगर तेरे से नहीं हो पाया तो मैं तेरे को स्क्रिप्ट बना के दे दूंगा डिजिटल मार्केटिंग सर्विस से रिलेटेड। नीड बेस, 3 चीज़ें बेसिक लेके चलना है, सामने वाले की नीड, ठीक है, अपनी सर्विस के इम्पोर्टेंस बेसिक से लेके एडवांस तक, और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं उसको ज़रूरत है या नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें लेके चलनी है। तो उसे बोला मैंने, ठीक है, उसने प्रॉपर वे में अपने दोस्त से स्क्रिप्ट ली और उसको मॉडिफाई करके अपनी सर्विसेज के रिगार्डिंग उसने कॉल करना चालू किया। आप विश्वास नहीं करोगे, मतलब उसने फर्स्ट डे में 5 ट्रायल निकाले, 300 कॉलिंग करके, फिर वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करते गया, 5 ट्रायल निकाले। 5 ट्रायल में से उसने मतलब 3 दिन तक लगातार काम किया, 5 ट्रायल में से 2 ने मना कर दिया, 2 ने नॉट इंटरेस्ट बता दी, बट 1 क्लाइंट उसका कन्वर्ट हो गया। और सेम प्रोसेस वो आज भी करता है, और लगभग लगभग वो अपनी सर्विसेज प्रोडक्ट मंथली बेसिस पे 80-90,000 रुपीज़ कमा रहा है, और अभी वो है सिर्फ कॉलेज की सेकेंड ईयर में, BBA कर रहा है इंदौर में, ठीक है। तो उस तरीके से आपको समझना पड़ेगा, पैसा बनाना इजी है, ठीक है, बट उसके लिए देखो आप जो भी कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो ना, जब तक आपके लिए आपके पास एक पावरफुल स्क्रिप्ट नहीं होगी, ठीक है, जिसमें कि आपके कस्टमर के सारे क्वेश्चन आप पूछ सको, उसकी नीड समझ सको, उसके पेन पॉइंट जान सको, तब तक ये सारी चीज़ें नहीं हो रही ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि जो भी स्क्रिप्ट आप बना रहे हो, या फिर आपको कंपनी के द्वारा दी जा रही है, या फिर आपने कहीं से सीखी है, ठीक है, तो वो स्क्रिप्ट को आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग पूरी मॉडिफाई कर देनी है, ठीक है। आपको हमेशा उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है, और चेंजेस टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो उसको, और उसको फॉलो करते रहो, एक पैटर्न बना लो, हाँ इस तरीके से कॉल करना है। तो उसमें मैं आप बहुत ज़्यादा सेल्स, अभी जो 3 पॉइंट फॉलो कर लिए ना, तो आपने बहुत ज़्यादा आपको जो सेल्स में आपकी
बहुत ज्यादा बदलाव दिखने के लग जाएगा कोल्ड कॉलिंग में, ठीक है। फोर्थ, प्रैक्टिव एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। एक करते क्या है ना, देखो हम हर आदमी के अंदर क्या रहता है कि एक कॉन्फिडेंट रहता है, तो कोल्ड कॉलर जिसने टीपी में, मतलब जो भी थोड़ा आदमी एजुकेटेड है, थोड़ी इंग्लिश आती है और थोड़ी बहुत कुछ बुक पढ़ रखी है, तो उस आदमी के साथ क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ, कुछ मतलब भले ही बुक नहीं पढ़ी बट यूट्यूब पे बुक समरी देखता है, ठीक है। उस बंदे के अंदर क्या रहता है कि वो सुनता नहीं, वो सिर्फ टोटल क्या रहता है कि अपनी बात तरीके इस तरीके से वो अपनी बात को सही प्रूव करे, सामने वाले को गलत प्रूव करो, भले खुद गलत बोल रहा हो, इतने कॉन्फिडेंस से काम करता है कि काम दिखने में लगता है, ठीक है। बट होता क्या है, रिजल्ट क्यों नहीं आता, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपर वे में प्रैक्टिस नहीं करता एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। यू नीड टू प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। तो आप कभी भी कस्टमर से रिलेटेड बात कर रहे हो या फिर रात को कुत्ते परेशान कर रहे हैं, ठीक है, चलो उनको छोड़िए, मैं भाग गया हूँ के 2 मिनट, 1 मिनट मेरे दो। ओके, सॉरी टू से यू, बट थोड़ा काम, वो कुत्तों को भगाना पड़ा, आवाज़ गंदी आ रही थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, ठीक है। जैसे ही कंपनी में आए, कॉल करनी है, कॉल करनी है, कॉल करनी है, ठीक है। पहले देखो आपके जो ओल्ड कस्टमर्स हैं, ठीक है, जो मतलब जो पहले से कंपनी में काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, पहले उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग अगर सुन सकते हो, कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, या फिर जो कॉलिंग कर रहे हैं वो, उनको प्रॉपर भीम है एक्टिव होके सुनो। नहीं हद देखो, आपको लगता है कि सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहा है, एक ही चीज़ बार बार बोल रहा है, क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप प्रॉपर वे में हर बंदे की अलग अलग देखो, कंपनी में ऐसा नहीं कि आप अकेले ही होगे, 10 12 15 लोग होंगे, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आपको देखना पड़ेगा हर बंदा किस तरीके से ला रहा है, जो क्लाइंट सबसे ज़्यादा ला रहा है, जो क्लाइंट सबसे कम ला रहा है, ठीक है, उनके स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, वो किस तरीके से इंपोर्टेंस दे रहे हैं क्लाइंट को, क्लाइंट से किस तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, ठीक है, उनकी वे ऑफ ट्यून क्या है, कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं या पर काम होके बात कर रहे हैं या रिलैक्स्ड होके बात कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में एक्टिवली सुनना होगा, ठीक है। और वो एक्टिव सुनोगे ना, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठेंगी कि आपको क्लाइंट से कैसे डील करना है और क्लाइंट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको किस तरीके से रिप्लाई देना है, ठीक है। तो ये सीखना पड़ेगा आपको, ये सीख गए ना, ठीक है, इतना आप सीख गए ना, तो अब आप कोल्ड कॉलिंग करना चालू कर दोगे, ठीक है। ये 4 पॉइंट फॉलो कर लिए ना, आप प्रॉपर कस्टमर आपसे ना नहीं बोलेगा, इतना कर लिया तो आपने, मतलब कॉल्ड मतलब आप उसने कॉल्ड फोन उठाया वो तुरंत काटेगा नहीं, इतनी चीजें फॉलो कर ली, ठीक है। फिफ्थ क्रिटिका भी है, बिल्ड रैपोर्ट क्विकली, ठीक है, आपको एक मोमेंटम बात करनी है, ठीक है, आपको फ्रेंडली वे में कॉन्फिडेंटली उसको कॉन्फिडेंट में लाना है कि आप एक फ्रॉड नहीं हो, ठीक है, एक आप जेन्युइन बंदे हो उस बंदे की तरह, ठीक है, तो प्रॉपर आपके इंटरेस्ट में मेल कर दें, ठीक है, तो वो आपका प्रोस्पेक्ट है, वो उसका बिजनेस बढ़ाना चाहता है और आप उस बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प करोगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको कंफर्टेबली और प्रोडक्टिवली उसके फायदे के लिए और खुद के फायदे के लिए दोनों को भिन्न भिन्न सिचुएशन क्रिएट करनी है, ठीक है। हमेशा हर कॉल पे आने का जरूर ये मतलब नहीं है कि आपको उसको प्रोडक्ट और सर्विस बेचनी है, जरूरी नहीं वो आज प्रोडक्ट आपसे बाय ना करे, बट 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद तो प्रोडक्ट बाय कर सकता है ना, ठीक है। तो उस सिनेरियो में आपको चीज़ें लेके चलनी है, उस कामनेस के साथ बात करनी है, उस विजन के साथ काम करना है, ठीक है। अगर आप सोचो कि ये आज प्रोडक्ट बाय नहीं करा तो हट छोड़ो, ठीक है, एक एक आपको फॉलोअप लेना है और उसको डाल देना है आपके फॉलोअप में, ठीक है। हफ्ते में हर हफ्ते बात कर लो, अगर 1 हफ्ते बाद की बोला तो 1 हफ्ते बाद कॉल करके बात करो, सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप प्रॉपर वे में कॉन्फिडेंटली सामने वाले को बात कर रहे हो तो, ठीक है, अगर वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा है तो आप भी जेन्युइन इंटरेस्ट शो करो,
ठीक है। तो ऐसे ही क्लाइंट बनते हैं। अगर आप सोचो कि एक दिन में 50 आप 100 कॉल कर रहे हो, 200 कॉल कर रहे हो, और आपको 10 20 50 क्लाइंट मिल जाए, ठीक है, वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक एवरेज का सिनेरियो रहता है, ठीक है, वो कॉलिंग पे भी डिपेंड रहता है। अगर बहुत सारे लोग रहते हैं ऐसे कि उनकी 100 कॉल की नहीं उनने उन्हें, और उनके पास 5 क्लाइंट के लिए ट्रायल आ गए, ठीक है, जिनमें से एक दो क्लोज भी हो जाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं 200 कॉल 300 कॉल कर रहे हैं, तब जाके उनके 5 क्लाइंट आ रहे हैं ट्रायल बेसिस पे, ठीक है, और कन्वर्ट उनमें से एक दो हो रहे हैं, तो उस बे में आपको करना रहेगा, ठीक है। अगर आज कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो 5 दिन बाद कन्वर्ट होगा, बट उसको आपको फॉलोअप में लेना रहेगा, तो उस बे में आपको काम करना है कॉन्फिडेंटली, ठीक है। सिक्स, हैंडल रिजेक्शन पॉजिटिवली। ये क्या रहता है कि जो जो कोल्ड कॉलिंग रहते ना सेल्स वाले बंदे, ठीक है, 90% लोग मतलब रिजेक्शन को फील ही वो ही नहीं कर पाते हैंडल, और वो या तो जॉब छोड़ देते हैं, या वो काम छोड़ देते हैं, या फिर जो खुद का धंधा है जो भी सेट किया है वो प्रॉपर बंद कर देते हैं, ठीक है। रिजेक्शन हैंडल करना एक कला है, ठीक है, वो आपको सीखनी होगी। अरे देखो भाई, आप तो कॉल पे ही बात कर रहे हो, आपने कुछ उसने कुछ बोल दिया, थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो गया, ठीक है, तो उस चीज को आप आपके दिमाग पे मत बैठा हो। देखो, चीजों को आप दिमाग पे बैठाओगे ना, तो आगे की जो भी कॉल्स होने वाली हैं, आगे के जो क्लाइंट आने वाले हैं, वो आपके आएंगे ही नहीं, ठीक है। कोल्ड कॉलिंग में क्या होता क्या है कि देखो, आपके आपने 155 160 कॉलिंग करी, ठीक है, आज आज आप आज की लास्ट कॉल कॉल करने जा रहे हो, 201 भी, ठीक है। तो अगर आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, अगर आप नेगेटिव हो, ठीक है, और आप एनर्जी के साथ बात नहीं कर रहे हो, तो जरूरी नहीं कि वो आपका जो क्लाइंट आपसे काम करना चाहता है आपके साथ, वो आपके साथ काम ही करे। वो भी देखेगा सामने वाला भी इजी मतलब लेजी फील कर रहा है, क्या बात करूं उससे, क्या ये मेरे को रिजल्ट दे पाएगा, क्या ये मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे पाएगा, क्या ये मेरा काम कर पाएगा सही तरीके से, ये खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं, तो उस बे में आपको देखना होगा। तो प्रॉपर बे में आपको समझना पड़ेगा कि जो हैंडल एक बार रिजेक्ट हुए, दो बार रिजेक्ट हुए, क्या हुआ, 3 बार हुए, बट चौथी बार में तो क्लाइंट को कन्वर्ट करना है ना, तो उसको सर के ऊपर हावी नहीं होने देना है। जानदा से जान कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, आप सिर्फ कॉल पे बात कर रहे हो, तो अगर आप कॉल पे कन्वर्ट करना चाहते हो तो रिजेक्शन हैंडल करना सीखना होगा। ऐसे ही पैसे नहीं बनाए जा सकते, ऐसे ही पैसे नहीं मिलते, ठीक है, ऐसे ही वो आपके साथ वो क्लाइंट पैसे नहीं डालेगा, ठीक है। बहुत बहुत से मेरे साथ भी ऐसा हुआ 3 4 बार कि जो मेरा क्लाइंट है उसने मुझसे मना कर दिया, स्टार्टिंग में ऊंच नीच हो गई, ठीक है, बट मैंने उससे प्रॉपर वे में फॉलोअप किया, प्रॉपर वे में उसकी नीड समझी। तो कोई एक मेरा डिजिटल मार्केटिंग क्लाइंट था, ठीक है, उसने एक एजेंसी की, बहुत बड़ी एजेंसी थी उसकी, मतलब बहुत बड़ी एजेंसी थी उसके, 100 200 के फॉलोअर तो इंस्टाग्राम पे थे, और यूट्यूब पे भी 1.5 से 2 लाख सब्सक्राइबर थे, ठीक है। वो उनके साथ काम कर रहा था, 55,000 रुपीज़ पे करता था डिजिटल मार्केटिंग के, उसके बिजनेस से रिलेटेड एड्स चलवाता था, और ब्रांड कहते अपने यूट्यूब पे भी काम करवाता था, इंस्टाग्राम पे भी काम करवाता था। 3 महीने काम करने के बाद 1,55,000 मतलब 1,65,000 1,60,000 65,000 रुपये देने के बाद उसका रिजल्ट आया 0, उसके 500 से ज्यादा सब फॉलोअर नहीं बढ़े, ठीक है। और जो जो 500 ही फॉलोअर थे ना, उसमें 300 400 तो उन्होंने फेक फॉलोअर डाल दिए, ठीक है, और एड्स के नाम पर जो पैसे उससे लिए वो भी गायब कर दिए, ठीक है। तो उस बे में रहा, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। जो कमेंट आती थी वो उनके ग्रुप में जा डाल देते पोस्ट, और वो वहाँ से ग्रुप में आ से आके लोग कमेंट कर देते, ऑसम गोल्ड नाइस पर मेक मोर वीडियोस, उस टाइप की कर देते, तो वो उतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, ठीक है। तो फिर मैंने उससे बात की, सर ऐसा नहीं, देखो जो मैं देखो मैं सर्विस देता हूँ 15,000 रुपये में डिजिटल मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी की जो हमारी कंपनी संभालती है, ठीक है, तो उसमें हम सारी सर्विसेज देते हैं, इंस्टाग्राम से रिलेटेड यूट्यूब तक फेसबुक तक सारी की सारी सर्विस देते हैं, जिसमें कि आपको प्रॉपर पे में आपकी सोशल मीडिया ग्रो किया जाता है। उसमें मैंने उसको समझाया, ठीक है, वो मेरी बात को समझा, ठीक है। उसने मेरे साथ 1 हफ्ता, मैंने 1 हफ्ता फ्री सर्विस दी उसको, ठीक है, सर आप देख लो। 1 हफ्ते के बाद उसको रिजल्ट भी आया, ठीक है, उसने देखा कि हम प्रॉपर पे में वर्क कर रहे हैं, कि इतना रिजल्ट आया। हम मंडे को प्रॉपर रिपोर्ट प्रेजेंट करनी पड़ती है कि क्या क्या किया, कितनी पोस्ट डाली, क्या रिजल्ट आया, तो उसको प्रॉपर वे में हमने काम दिखा, उसको हमारा काम समझ में भी आया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ,
हमने उससे बोल दिया सर एक हफ्ता हो चुका है, अगर आपको अब काम करना हो तो बताइए, और नहीं भी करना हो तो कोई दिक्कत नहीं सर, हमारा काम हो चुका है, हमने ट्रायल दिया आपको, आपका जो बोल रहे थे कि सब लूटने के लिए बैठे हैं, इस तरीके से काम नहीं होता, सर आपने हमारा काम देख लिया, आप बताइए क्या किया। उस बंदे ने मेरे को 3 महीने का एडवांस उस दिन डाल दिया, 45,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये रहता है, जितनी ज्यादा आप आपके क्लाइंट लाइफ कदम जो क्लाइंट है उससे प्रॉपरली वे में रिस्पेक्ट के साथ और उसको रिजल्ट दे के काम काम करोगे ना, तो आपके साथ काम करेगा। भिन्न भिन्न सिचुएशन क्रिएट करनी है आपको हमेशा, तो उस सामने वाले का फायदा हो और आपका ही फायदा हो। ठीक है, हम आते हैं सेवन, फोकस ऑन वैल्यू प्रोपोजिशन। अभी हम बात कर रहे थे वैल्यू क्रिएशन की। ठीक है, तो वैल्यू तो जितनी ज्यादा आप वैल्यू दोगे ना आपके प्रोडक्ट आपके सर्विस, ठीक है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं उनको, वो आपको समझ जाना पड़ेगा कि हमारे साथ इतने सारे क्लाइंट काम कर चुके हैं, हमने उनकी मतलब ए सिचुएशन से लेकर बी सिचुएशन तक जाने में हेल्प की है उनके, मतलब पर्टिकुलर आप बता सकते हो, जो भी आपके क्लाइंट हो, जो भी जिस फील्ड की भी आप कोल्ड कॉलिंग कर रहे हो, रियल इस्टेट की कर रहे हो या फिर कुछ भी, ठीक है, स्टॉक मार्केट की कर रहे हो या फिर आप टीपी में कर रहे हो या फिर पर्टिकुलर कंपनी की दवाइयों की कर रहे हो, ठीक है, तो वो हर एक चीज़ आपको समझनी होगी, तो उसमें आपको आपके कस्टमर की नीड समझनी होगी और उसकी लाइफ में आप वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हो, उसको इन्फॉर्मेशन दो कि वो गलत डिसीजन ना बना पाए। वो बहुत सारी कंपनियाँ बहुत सारे फ्रॉड्स भी करती हैं, आप उनके बारे में इन्फॉर्मेशन दो, सर उस तरीके की कैटेगरी में काम होते हैं, ठीक है, तो आपको भी ये सिचुएशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप आपके क्लाइंट की लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे ना, उसको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दोगे, तो वो उतने ही ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो आपके साथ काम करे। ठीक है, अब 8 पे आते हैं, हैंडल ऑब्जेक्शन विद कॉन्फिडेंस। ठीक है, अब देखो कोल्ड कॉलिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूँ ज़्यादातर रिजेक्शन लोग क्यों फील करते हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाते, क्लाइंट फेंक के मारेगा उधर से, देखो आपके और उसके बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है, समझो, ठीक है, क्लाइंट उधर से गोली मारेगा, उस ऑब्जेक्शन फेंक के मारेगा, अब उससे आपको बचना है या फिर उसको फेस करना है। ठीक है, तो उस तरीके से रहना, फाइट चल रही है आपकी और उन दोनों की, वो दूसरा वो मूव यूज करेगा आपको गिराने के लिए कि प्रोडक्ट तुम्हारा खराब है, आप बोलोगे प्रोडक्ट खराब नहीं है, ये कारण है, इस तरीके से, अरे ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके साथ भी काम कर सकता हूँ, कम पैसे में काम दिला रहे हैं, सर बहुत सारी कंपनियां हैं बट सर वो उस लेवल का रिजल्ट नहीं दिखा पाते, ठीक है, वो सिर्फ पहले क्लाइंट से पैसे ले लेती हैं और फिर प्रॉपर वे में काम भी नहीं कर पाती। ठीक है, अब ये आपके रिगार्डिंग रहेगा, आपकी जो भी कंपनियां हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्शन हो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड, सारे के सारे घोर के पी जाओ, जितने भी हो, कोई भी, अगर हाउस वाइफ आपका काम करना आपके साथ काम करना चाहती है उसके सवालों का क्या जवाब रहेगा, ठीक है, अगर कोई फार्मर आपके साथ काम करना चाहता है उसका क्या रहेगा, ठीक है, प्रॉपर वे में, ठीक है, तो वो हर एक क्वेश्चन का जवाब देना रहेगा, और उनके पास समय नहीं, सुबह से 9 से लेकर शाम के 7 बजे तक जॉब पर जाते हैं, उनके साथ आप किस तरीके से काम कर सकते हो, वो सारी चीज़ें देखनी होंगी आपको। ठीक है, 9th, यूज सेल्स टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको, प्रॉपर वे में टूल्स को यूज करना रहेगा। ठीक है, जैसे कि एक अभी चल रहा है सीआरएम चलता है, सीआरएम एक ऐप चलता है कंप्यूटर में, आप इंस्टॉल कर लो, उस वे में सॉफ्टवेयर काम करता है, वेबसाइट वगैरह रहता है, प्रॉपर वे में अगर उस पर काम करोगे ना तो प्रॉपर वे में ट्रैक कर पाओगे कौन से क्लाइंट से फॉलोअप लेना है, कौन सा ट्रायल पे है, कौन से आगे चल के अगले महीने से काम करेगा, तो उसके लिए प्रॉपर वे में आपको टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करना है अपने सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, ना कि सिर्फ देखो मोस्ट ऑफ द पीपल स्टार्टिंग में बिजनेस क्या करते हैं, सिर्फ मोबाइल पे ही मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, मोबाइल पे कॉल कर रहे हैं, हेलो सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, हेलो सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, हेलो सर मैं विशाल बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो चीज़ों को प्रॉपर वे में नहीं करते नोटिस। ठीक है, भले ही वो शाम को बात करने को बोल रहा है, अगले पे कॉल कॉल करने लगे, ठीक है, जितना भी डाटा आ रहा है ना, अगर आपके पास सीआरएम अपन आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप एक MS Excel की शीट बनाओ जिसमें कि फॉलो अप ट्रायल, ठीक है, और जो भी चीज़ें रहती हैं अगले हफ्ते से स्टार्ट करना चाहता है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर वे में रहना चाहिए।
अपडेट्स होना चाहिए, ठीक है। आपकी और जैसे ही आपके कोल्ड कॉल पे आता है, आपका ट्रायल है, और उसका भी रहना चाहिए, कहाँ से है, नेम क्या है, नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, करता क्या है, जॉब क्राइटेरिया, ठीक है, कितना एक्सपीरियंस है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी बॉन्ड्स क्या है, वो सारी चीज़ें आपको प्रॉपर मेम करोगे ना तो सीखते रहोगे, ठीक है। टेंथ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है, कंटिन्यूस लर्निंग। देखो ये ऐसा है कि सेल, कोल्ड कॉलिंग सेल्स एक ऐसी फील्ड है, आप इसमें जितना सीखते जाते हो ना उतना आपका कन्वर्टेशन इंक्रीज होते जाता है, ठीक है। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में 100 कॉल करने पे एक ट्रायल निकलना है, ठीक है, 200 कॉल ना करने पे दो ट्रायल निकलना है, ठीक है, तो यही नंबर इम्प्रूव होता जाता है। 200 से आप 10 पे आओगे, 15 पे आओगे, उस भी में आप कर पाओगे। तो सीखना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो सेल्स से रिलेटेड, ठीक है। मैंने भी बहुत सारी बुक्स एक्सप्लेन कर रखी सेल्स से रिलेटेड, पिच एनीथिंग, फेनेटिकल प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, सीक्रेट्स ऑफ सेल्स, और भी बहुत सारी बुक्स मैंने एक्सप्लेन कर रखी पिच एनीथिंग, आप जाके चेक कर सकते हो। 75 हार्ड डे चैलेंज में मैंने ये बुक्स एक्सप्लेन करी थी सेल्स से रिलेटेड, आप जाके चेक कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, और बुक्स पढ़ सकते हो, ठीक है, और ट्रेनिंग ले सकते हो, कोर्सेज बाय कर सकते हो स्किल से रिलेटेड। जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, उतने ज़्यादा पैसे आप छाप सकते हो, ठीक है। सेल्स में ऐसा है कि देखो जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ज़्यादा पैसा छापोगे, और आपने सीखना बंद कर दिया तो भाई साहब पैसा कम आना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। और 11th की सेट क्लियर गोल्स। हमारे साथ क्या होता है कि हम क्लियर गोल सेट नहीं करते, हम मिनिमम टारगेट लेके चलते हैं। पहली बात तो हमेशा देखो, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो ना, कभी भी मिनिमम टारगेट लेके मत जाओ। या फिर आप खुद भी काम कर रहे हो, आप क्या सोचते हो किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, उसका टारगेट है 3 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का, और आप टारगेट कंप्लीट, मिनिमम टारगेट क्राइटेरिया रहता है कि 60,000, 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये आप वो करके दे रहे हो, उसमें सिर्फ आपकी सेल्स आई और एक छोटा सा कमीशन आया, ठीक है। तो आप हमेशा फोकस करो कि आप जो इस महीने मैंने 60,000 रुपये फोकस किया है, तो अगले महीने में जैसे कि अब मान के चलिए 3 लाख का है, आपने कोई नई कंपनी ज्वाइन की है, आपने 1.5 लाख किया है, आप 2 लाख के टारगेट को कैसे कंप्लीट करोगे, 3 लाख के टारगेट कंप्लीट कैसे करोगे। 3 लाख का था आपका टारगेट, तो उसका डबल टारगेट रख के दो, 3 लाख का कंपनी वालों ने दिया, 3 आपका ऐड कर दो, 6 लाख, ठीक है। 6 लाख में आपका कमीशन भी बनेगा, आप प्रॉपर भी कमाओ भी पाओगे और आप सीख भी पाओगे, और जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट आपके लोगों से कॉन्टैक्ट होंगे ना, तो वो प्रॉपर भी में आपके साथ भी काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उस पे में आपको काम करना है। क्लाइंट दो, जब तक आप कंपनी के साथ हो तब तक क्लाइंट आपके साथ है, ठीक है, और कंपनी भी छोड़ा है ना, तो क्लाइंट को आप छोड़ना नहीं, ठीक है। तो उसको भी आप वैल्यू ऐड करके, अगर फ्यूचर में आप उसके साथ काम करना चाहो तो उसके साथ काम कर सकते हो, जब भी आप अपनी कंपनी लॉन्च करो, ठीक है। तो आपको गोल्स को क्या रहना है कि जितने ज़्यादा गोल सेट कर पाओ, ठीक है। तो क्लियर गोल सेट करना है, जैसे कि अगर कंपनी ने 10 क्लाइंट बनाने की बोला है तो आप 15-20 लेके चलो क्लियर गोल, ठीक है। अब 20 क्लाइंट लाना है आपको, 20 क्लाइंट लाना है ना, तो उसके हिसाब से आपको कॉल्स, आपको कन्वर्जेशन, ठीक है, इंक्रीज करना होगा, ठीक है। और जितनी ज़्यादा आप कन्वर्जेशन कॉल्स पे फोकस करोगे उतनी ज़्यादा आप आगे चल के बढ़ पाओगे और ले पाओगे, ठीक है, गोल्स रिलेटेड। अब मैसिव लेवल ऑफ एक्शन भी लेना पड़ेगा, आपके क्लियर गोल सेट हुआ है, अब क्लियर गोल सेट हुआ उनको अचीव करने के लिए मैसिव लेवल ऑफ एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। हमने गोल्स तो बड़े सेट कर लिए, अब मेहनत भी बहुत ज़्यादा करनी होगी, ठीक है। 12th सीक फीडबैक, ठीक है, आपका कस्टमर ओल्ड है उससे भी फीडबैक लो, सर हम और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपका नया कस्टमर है आपके साथ काम नहीं करना चाहता, फिर भी आप बोल सकते हो सर आप बता सकते हो हम क्या कम काम कर सकते हैं। 1 महीना हो चुका है कस्टमर आपको छोड़ के जा रहा है, उससे भी फीडबैक लो, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप फीडबैक लोगे ना, उतने ज़्यादा आपकी प्रोडक्ट पे, आपके कन्वर्जन पे, आप ऑब्जेक्शन हैंडल करने में अपने आप को बेटर करते जाओगे और उतना ज़्यादा ही आप पैसा कमाओगे, ठीक है। 13 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मेरा फेवरेट है, रोल प्ले, ठीक है। आप दिन में 15 से 20 मिनट निकालिए, ठीक है, आप आपके दोस्त के साथ रोल प्ले कर सकते हो, कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि एक कलीग मेंटर के साथ आपके कर सकते हो, जो भी आपके मैनेजर हैं, टीम लीडर हैं, या फिर कोई भी पर्टिकुलर बंदा जिसके साथ आप काम कर सकते हो, ठीक है। एक बार आप प्रॉपर वे में रोल प्ले करोगे ना, डेली 15-20 मिनट निकालो किसी भी
पर्टिकुलर वे में आप कन्वर्सेशन चालू करो कि जो भी आपके मन में क्वेश्चन आते हैं वो उनसे पूछना चालू करो, ठीक है। फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनका जवाब देना चालू करो, ठीक है। इस वे में अगर आप अपने आप को डेली वे प्रैक्टिस करोगे ना, तो कोल्ड कॉलिंग के आप महारथी बन जाओगे, फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता कोल्ड कॉलिंग का मास्टर बनने से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।